ओम शांति। आज 1 नवंबर 2023 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पढ़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गोये रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, ज्ञानामृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञानामृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर मर जीवा बना दिया। ज्ञानामृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। ओम शांति। ओम।